एक बार एक संत एक जाट के घर पर जाते हैं। कुछ दिन रहते हैं, जाट उनकी बहुत सेवा करते हैं, पर संत देखते हैं कि जाट कोई पूजा पाठ नहीं करते, कोई नियम नहीं है। जाते जाते संत ने जाट से एक बात कही। वो कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि कोई नियम बांध लो कि तुम एक माला करोगे या दो माला करोगे। जाट ने कहा, मेरे पास कहाँ इतना समय है, मुझे खेती करनी होती है, खेत जाना होता है, अब माला करूँ कि खेती करूँ। जाट ने कहा, ठीक है, एक काम करो, तुम रोजाना मंदिर के दर्शन कर लिया करो। जाट ने फिर कहा, मेरे पास कहाँ इतना समय है, मंदिर तो दूर गांव में है, खेती करूँ कि दर्शन करूँ। संत फिर कहते हैं, अच्छा ये नहीं तो वो करके देखो, वो नहीं तो ये करके देखो। कितनी चीजें बताते हैं, कई प्रकार के नियम बताते हैं, पर हर वक्त जाट ने सिर्फ एक ही बात कही, मेरे पास कहाँ इतना समय है, अब ये करूँ कि वो करूँ। अंत में संत ने हार कर ये पूछा, अच्छा ये बताओ तुम क्या कर सकते हो, ऐसा कौन सा नियम है जिसका पालन तुम कर सकते हो। जाट ने कहा, मेरे पास में ही मेरा मित्र कुमार है, बगल में ही रहता है, घर भी आसपास है, खेत भी आसपास है, तो मैं उसे देख सकता हूँ। संत ने कहा, ठीक है, लेकिन नियम कैसा होगा कि जब तक उसके दर्शन ना कर लो तुम भोजन नहीं करो। जाट ने कहा, अच्छी बात है, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, घर पास है, खेत पास है, ठीक है। संत तो चले जाते हैं। अब रोजाना जैसे ही भोजन तैयार होता, पत्नी आकर जाट से कहती कि भोजन तैयार है। वो घर से बाहर निकलता, दीवार से थोड़ा उठकर देखता और कुमार के दर्शन हो जाते। कुमार के दर्शन करके वो भोजन करने बैठ जाता। कई दिनों तक ऐसा ही चला। अब एक दिन उसे खेत जल्दी जाना था, भोजन जल्दी बन गया था। जैसे ही पत्नी ने कहा कि भोजन तैयार है, वो घर से थोड़ा बाहर आता है, दीवार से उठकर देखता है तो कुमार कहीं भी नहीं दिख रहा। उसकी पत्नी से पूछता है कि कुमार कहाँ गया है। पत्नी ने कहा, अर्जुन ने मिट्टी खोदने के लिए जाना था इसलिए वो जल्दी निकल गया। अब भूख लग रही है, अपने खेत में भी काम है, तो सोचता है कि दौड़ा दौड़ा वहीं पहुंचता हूँ, उसका खेत भी ज्यादा दूर नहीं है मुझसे। पहुंचता है, अब वहां पर कुमार मिट्टी खोदते खोदते उसे एक हांडी मिलती है। उस हांडी में कई रत्न थे, अशर्फियां थी। अब ये मिलने के बाद कुमार को लगा कि एक बार उठकर देख लूं कि कोई आसपास है तो नहीं या किसी ने देखा तो नहीं। तो वो जैसे ही उठकर देखता है, सामने से जाट आ रहा था। जाट ने जैसे ही कुमार के दर्शन किए वो वापस जाने लगता है। अब कुमार को ऐसा लगता है कि शायद उसने देख लिया है। कुमार जोर से चिल्लाता है, अरे रुक रुक जा मत। जाट ने कहा, अरे मैंने देख लिया। अरे कुमार कहता है, पर जा मत। अरे बोले मैंने सब देख लिया। जाट ने वैसे कुछ देखा नहीं था, उसके हिसाब से उसने कुमार के दर्शन कर लिए, पर कुमार को ऐसा लगा कि उसने वो हांडी देख ली। तो हार कर कुमार ने कहा, अच्छा देख लिया तो आधा तेरा आधा मेरा। ये नियम का असर है। जब भी आप किसी चीज को नियम के अनुसार करते हैं तो आपको सफलता प्राप्त होती है। इसीलिए हर चीज, चाहे वो पूजा पाठ हो, कोई काम हो, हर चीज नियम के अनुसार करें। मर्यादा, नियम, डिसिप्लिन, ये चीजें आपके जीवन में बहुत जरूरी है। और इस घटना के बाद जब दोनों को एक बात समझ आती है कि एक साधारण सा नियम हमारे जीवन में इतना बड़ा, इतना अच्छा कर सकता है, तो सोचो अगर हम सच में कुछ नियम का पालन करते हैं, चाहे वो माला करना हो, भगवान के दर्शन करना हो, या कोई कार्य करने का, तो हमें कितनी सफलता प्राप्त होगी। और उस दिन से वे दोनों, जाट और कुमार, भगवान की भक्ति में लग जाते हैं। ये बात सिर्फ भक्ति के लिए नहीं है, आपके कार्य में, आपके करियर में, हर चीज में, और भगवान की भक्ति में अगर आप नियम रखते हैं तो सफलता जरूर मिलती है।